जय माता दी बहन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। मैं आ गई हूँ थोड़ा सा आप सबसे बात करने। कुछ लोग अपनी औकात भूल जाते हैं और अपना रंग दिखाई देते हैं, सेम गिरगिट की तरह अपना रंग चेंज करेंगे। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो जो आपके अपने होते हैं ना, वही ऐसे हो सकते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तब उनका अपना सगा कुछ कुछ नहीं होता है, और उसके बाद ही जैसे ही जरूरत खत्म हो जाती है वो इंसान बुरा हो जाता है। होता नहीं है, गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं। तो कुछ लोग की औकात है ना, जैसे घटिया लोग होते हैं, जो घटिया होते हैं ना, उनको ही आदत है ना, उनको फर्क नहीं पड़ता कुछ भी बोलो, सुन लेते हैं, बेशरम टाइप के होते हैं वो। तो फ्रेंड, आज मैं किसकी बात कर रही हूँ, किसी अपने की बात कर रही हूँ। तो ऐसा है ना फ्रेंड, कि आज के डेट में कुछ लोग सोचते हैं ना, किसी की बहन के हो, किसी बेटी को मार देंगे, कुछ कोई बोलेगा नहीं। उनको शायद नहीं पता है कि जिसकी बिटिया है और जिसकी बहन है ना, उसके दिल से पूछो कि क्या है उसके लिए। तुम्हारे लिए खुद कुछ नहीं है, लेकिन वो उसके लिए क्या है। तो एक बार ना जब अपनी बहन के साथ होगा, अपनी बेटी के साथ होगा, अपनी माँ के साथ होगा, तो खुद इंसान समझ जाएगा। और रही बात सच और झूठ की, तो फ्रेंड सच ऊपर रहता है और जो झूठ होता है वो डूब जाता है। सच कभी दबता नहीं है फ्रेंड, खास किताब समझ लीजिए, सच कभी दबता नहीं है और ना कभी दबेगा। क्योंकि आज नहीं, क्योंकि हर जगह आप कोर्ट में भी जाएंगे, हर जगह सत्य में जाते कि जो कीमत है ना, वो सिर्फ जो लिख के जो लड़के सत्य के लिए मरे हैं ना, वो अकेले जानते हैं। तो फ्रेंड हुआ कुछ यूँ कि आज भी घटिया सोच है कुछ लोगों की, उनको तो भगवान उनको ऐसी सजा देना कि क्या ही बोलूँ, ऐसी सजा दे देना कि किसी लायक ना रह जाए, दोबारा जवान ही बन जाए। तो फ्रेंड अभी आज मेरे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है बोलते समय, लेकिन कुछ लोग की औकात यही है, गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं, सेम उसी तरीके से। तो मिल जाएंगे आपके अपने ही गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले। हर जगह एक रंग नया होगा और हर जगह एक नया झूठ होगा। जो सोचते हैं कि हम झूठ बोल के हम किसी झुका लेंगे, तो वो झुकेगा नहीं फ्रेंड, क्योंकि ये जो सीधा पेड़ होता है उसको सब काटने की कोशिश करते हैं। तो इतने सीधे भी मत रहिए कि लोग आपको निशाना बनाएं। तो फ्रेंड प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, बाकी तो सब माता रानी हैं, और किसी से कोई तो लगाव रखो ही मत कि कल को जाके आपके लिए खतरा बन जाए। तो फ्रेंड यही बस, घटिया लोग से भगवान दूरी बना के रखो, कोई भी हो, आपका कितना भी सका हो, चाहे जितना भी सका होगा, अपनी औकात दिखाई देगा, ठीक है? तो समझ लीजिए आप लोग, किसी को ना अगर आप इस पर बैठाए ना, तो पक्का यहाँ रखेगा, यहाँ नहीं बैठाने का, कभी ये गलती कभी नहीं करने का। तो फ्रेंड अगर सब्जी खाने वाले को अगर तुम पनीर खिलाओगे ना, तो वो यही कहेगा कि तुम मुझे गलत चीज़ बना के खिला दी, आपको गलत तुरंत आपको साबित करेगा। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ लोगों से, मैं तो अपनी ज़िंदगी मेंटेन करके हमेशा रखूँगी, कहीं भी रहूँगी, और मुझे बिल्कुल घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो संस्कार लेके मैं पैदा हुई हूँ, शायद ये संस्कार सबके पास नहीं है। जो सोच होती है घटिया वाली सोच नहीं है, हमेशा सोच अच्छी रखनी चाहिए, घटिया लोगों की जैसे नहीं सोच रखनी चाहिए। घटिया लोग बिल्कुल इतने घटिया होते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, तो उनकी औकात दिख जाएगी बहुत जल्द। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताते हैं कि है कौन वो। जल्दी मिलती हूँ, ठीक है, बाय।